फाइनल आके पारादीप से गांव आके पहुंच चुके हैं। हमारा आज प्लान है उड़ीसा का जाजपुर डिस्ट्रिक्ट। स्वागत करता हूं फिर से एक नया ब्लॉग में। आज मैं आप लोग को दिखाऊंगा उड़ीसा का सबसे टूरिज्म एरिया जाजपुर डिस्ट्रिक्ट के ओड़ासुणी गुम्फा एरिया। निकल रहे हैं जाजपुर जाने के लिए। हम आके पहुंच चुके हैं असुरेश्वर कॉलेज के पास आ चुके हैं। ये असुरेश्वर मार्केट है। इधर पूरा जाने के लिए केंद्रापड़ा रूट यहाँ से 5-6 किलोमीटर है। हम आके पहुंच चुके हैं। देखते हैं, देख पा रहे हैं इधर कैसे हुए, पूरा रेलवे जैसा ये हुआ है। कॉलेज के पास ट्यूबवेल था पानी पीने के लिए, मेरा भाई पानी पी लिए। चलो फिर चलते हैं आगे। फिलहाल आके पहुंच चुके हैं कटीगटा मार्केट। इधर जाने के लिए कटक है, पूरा सीधा केंद्रा पड़ा। उसके बाद में ओवर ब्रिज आएगा, उधर से पानी धानी भी पी लिए। धूप भी काफ़ी तेज से भी धूप हो रहा है, धूप से कोई निकल नहीं रहा है। लेकिन थोड़ा ब्लॉग आज कुछ अलग करने वाले हैं, इसलिए निकल के ब्लॉग कर रहे हैं। चलो आके पहुंच चुके हैं छत्ता चौक। यहाँ से 15 किलोमीटर होगा ओड़ासुणी। यहाँ से थोड़ा खाना खा के उसके बाद में निकल जाएंगे ओड़ासुणी। चलो हम खाना खाना कंप्लीट हो गया। अभी टाइम 1:31 हो गया है, मतलब 1:15 हो गया है। हम निकलने वाले हैं ओड़ासुणी। चलो चुके हैं ओड़ासुणी गुम्फा। हम अभी गेट के पास है, अभी अंदर जाएंगे, भगवान का भी दर्शन कर लेंगे। काफ़ी खूबसूरत जगह है, देखते हैं। ऊपर पहाड़ी है, इधर पूरा जाजपुर जाने के लिए रास्ता है। इधर से हम आए, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बस अभी टाइम हो चुका है, 2 बज चुका है। अभी धूप थोड़ा धीरे धीरे कम रहा है और भगवान का भी दर्शन हो जाएगा। फिलहाल अभी अंदर चलते हैं। पत्थर भी तोड़ के ही भगवान गौतम बुद्ध ही बनाया है। उसके बाद में सब टाइप का बनाते हैं इधर, देख पा रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये वाला में थोड़ा पूछ रहा था इसको, ये मूर्ति को भगवान गौतम बुद्ध को ये 35,000 बोल रहे हैं। मैं एक बाबा साहेब का मूर्ति के बारे में पूछ रहा था तो बोले कि 45,000, छोटा सा मूर्ति। अच्छा लग रहा है। हम पहुंच चुके हैं मंदिर के पास और भगवान को भी दर्शन कर लेंगे। काफ़ी खूबसूरत जगह है घूमने के लिए। देखते हैं, नारियल का पेड़ लगा हुआ है। उसके बाद उधर देखिए बैठने के लिए। उसके बाद में दुकान भी अभी बंद है, अभी टाइम हुआ है 2 बजे, इसलिए अभी बंद है। अब अंदर जाएंगे, भगवान का भी दर्शन कर लेंगे और घूम भी लेंगे। कैसा मज़े आने वाला है। आज कुछ मुझे अलग करना है। ये जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो टूरिस्ट रूम, लोग जो बाहर से घूमने के लिए आ रहे हैं, रेस्ट रूम के लिए अभी तक काम चालू है। उसके बाद में बाकी काम हो चुका है और थोड़ा बहुत अभी काम बाकी है। अभी काफ़ी खूबसूरत जगह है। यहाँ पर भी लोग रखे हैं क्लीन करने के लिए, भगवान को कैसा सेवा करने के लिए। यहाँ पर पंडित लोग भी मौजूद है, काफ़ी खूबसूरत। उसके बाद में देख पा रहे हैं, अच्छा माहौल है। Thank you.
काफ़ी पुराना मंदिर है, छोटा छोटा मंदिर अभी भी बंद पड़ा है। क्यों बंद पड़ा है यहाँ का पंडित लोग भी कुछ बता नहीं रहे हैं। जिनका भी जितना भी जानकारी था तो मैं उनसे भी जानकारी ले लिया हूँ। उसके बाद में देख पा रहे काफ़ी खूबसूरत फूल का गच्छ भी लगा हुआ, पेड़ लगा हुआ है, और देख पा रहे छोटा छोटा टेम्पल। मैं आया था भगवान को दर्शन करने के लिए, अभी हमारा थोड़ा लेट हो गया, इसलिए भगवान का दरवाज़ा पूरा बंद हो गया, हम भगवान को देख नहीं पाए, बाहर से देखे जा रहे हैं। और यहाँ पर आके बहुत शांति भी लगा और खुश महसूस हुआ। और मैं यहाँ का इस जगह को बोलते हैं ओड़ासुणी गुफा। एक्चुअली ओड़ासुणी गुफा क्या है मुझे एक्चुअली पता नहीं था, यहाँ पर आने के बाद में पता चला कि यहाँ पर ये ओड़ासुणी गुफा है। ये जो देख रहे हैं ये छोटा गली से गुफा है, देख पा रहे पूरा अंधेरा ही अंधेरा है। यहाँ पर जाने के लिए काफ़ी अंडरग्राउंड है, ये देख पा रहे हैं। और यहाँ पर जाना के लिए अलाउ है कि नहीं ये मुझे पता नहीं, लेकिन थोड़ा सा फियर सा डर लगता है और फियर महसूस होता है। काफ़ी गहरा है ये मंदिर, पूरा अंदर जाने के लिए काफ़ी गहरा है। ये तो छोटा मंदिर है, अब दूसरा मंदिर को मैं आप लोग को दिखाऊंगा, आ जाइए मेरे साथ। और एक दूसरा जगह भी दिखा सकता हूँ आपको, ये देख रहे हैं छोटा सा ये है, लेकिन इधर देख पा रहे हैं तो अंदर का गुंगा देख रहे हैं। इधर का जो देख रहे हैं देखने के लिए जगह है वो साधु संत लोग, इधर साधु संत लोग इधर सब मतलब ध्यान कर रहे थे। काफ़ी पुराना ये है, ये देख पा रहे हैं पूरा अंधेरा सब अंधेरा है। मैं आज सुबह सुबह निकल रहा था, उसके बाद में मेरा भाई आज थोड़ा गया विशाखापट्टनम, उनको छोड़ने के लिए गया था। मेरा जहाँ पर बस स्टॉप है उधर आने के टाइम में, भाई को छोड़ने के बाद आने के टाइम में एक फैमिली का, एक 5 साल का लड़का और उसका मम्मी और उनका पिताजी, पूरा फैमिली लेके गाड़ी में आ रहे थे। उसके बाद में वो छोटा सा लड़का गिर के पूरा मुंह हाथ फट गया था। उसके बाद में बहुत आदमी देख रहे थे। उसके बाद में उनको लेके आया, मेडिकल से एडमिट किया। उसके बाद में इधर आया भगवान को दर्शन करने के लिए, क्योंकि आज मेरा छुट्टी था तो उठ लीजिए घूमने के लिए आ गया। और ये पारादीप से आप 50 किलोमीटर हो गए ओड़ासुणी, उसके बाद में हमारा गांव से लगभग 40 किलोमीटर हो गया। मैं हम लोग आप लोग को पूरा दिखाया है वीडियो, ये गुम्फा काफ़ी खूबसूरत जगह है। जिसका मानसिक रहेगा उसके बाद में जिसका भगवान को पूरा विश्वास है उधर तू वर का पेड़ है, उसके बाद में जिसका मानसिक रहता है, जिसका संकल्प रहता है मैं कुछ करने के लिए, कुछ का कुछ भी होता है उसको डोरी बांध के ही जाते हैं। और देख पा रहे हैं छोटा सा मंदिर है, लेकिन उड़ीसा का सबसे टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पर भगवान को जीता 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 जागता मानते हैं। ये मंदिर का बैक साइड है, ये देख पा रहे हैं पहाड़ के ऊपर है ये भगवान मंदिर। ये मंदिर जीतता जागता मंदिर मानते जाते हैं। और ये सरस्वती पूजा का टाइम में यहाँ पर काफ़ी बहुत भीड़ लगता है। इधर देख पा रहे हैं पूरा फेमस बहुत ऊँचाई पर है मंदिर। कभी आइए घूमने के लिए और देख लेंगे और भगवान का दर्शन भी हो जाएगा। भाई अभी कहाँ जा रहे हो? अभी कंप्लीट हो गया मंदिर घूमना और अभी जाएंगे फिलहाल ललितगिरी। यहाँ से तो हम जानते नहीं हैं ललितगिरी, उधर आने के टाइम में हम बोर्ड में देखे थे ललितगिरी। चलो हम ललितगिरी को देख लेते हैं।
ऐसी क्या चीज है, टिकट करना ऑनलाइन का टिकट बुकिंग करना पड़ता है। ये आप लोग देख पा रहे हैं, ये स्कैन करेंगे फोन पे में जगह, यहाँ पर ये फोन पे में स्कैन करके उसके बाद में ये टिकट बुकिंग करेंगे, उसके बाद में अंदर में जाएंगे। ये देख पा रहे हैं टूटा नहीं, ये पूरा ऐतिहासिकल हिस्टोरिकल चीज है। भगवान गौतम बुद्ध यहाँ पर जब भी आए थे उड़ीसा, यहाँ पर रुके थे। ये देख पा रहे हैं छोटा छोटा, अच्छा अच्छा जगह है। चलो हम टिकट करते हैं, स्कैन करते हैं। हमको रास्ता पता नहीं था, ओलासुनी गुम्फा से इधर से पूछ पूछ के इधर आके हम पहुंच चुके हैं ललित गिरी। और ये देख पा रहे हैं बाएं तरफ ये म्यूजियम है, उसके बाद ऊपर जाने के लिए उधर क्या है हमको पता नहीं, लेकिन हम चलते हैं और देख लेते हैं उधर क्या है क्या नहीं। लेकिन माना जाता है भगवान गौतम बुद्ध का 1000 साल के अंदर में इधर विश्वविद्यालय करते थे, उसके बाद में इधर बुद्ध जो भिक्षु है इधर। ये आप लोग देख पा रहे हैं ये भगवान गौतम बुद्ध 9th और 10th 11th सेंचुरी में यहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध यहाँ पर विश्वविद्यालय होता रहता था पहले ज़माने में। उसके बाद में यहाँ पर देख पा रहे हैं ये काफ़ी यहाँ पर मंदिर है, उसके बाद में पेड़ वगैरह, उसके बाद में इधर अच्छा तो ये है गौतम बुद्ध का ट्रेनिंग सेंटर। ये करूँ यहाँ पर पहले जमाने में ट्रेनिंग सेंटर होता रहता था ट्रेनिंग सेंटर होता रहता था स्कूल में भी स्कूल होता था भिक्षुक के लिए। ये देख पा रहे हैं छोटा छोटा चीज कैसे हुआ करता था पहले जमाने में। काफी अच्छा जगह लग रहा है, वेरी नाइस एरिया।
इस जगह को हम देखे नहीं थे और इमेजिन भी नहीं किए थे, इमेजिन भी नहीं किए थे इस जगह पर इतना भी ऊपर क्या है। चलो हम ऊपर जाके देख भी लेते हैं और मजे भी ले सकते हैं, ऐतिहासिक चीज को, पुराना चीज को याद कर सकते हैं। तो ठीक है, हाउ द जोश, और आप थोड़ा दौड़िए ना। फाइनली ऊपर आके पहुंच चुके हैं। ये एक्चुअली किस लिए, किस प्रपोजल में बनाए थे और उसके बाद में ये क्या हुआ है इसको मालूम नहीं चलता है, पता नहीं चलता है ये क्या चीज़ है। यहाँ पर पीछे माहौल देख पा रहे हैं, उधर पहाड़ी है, पहाड़ी काफ़ी खूबसूरत माहौल है, जगह भी शांति लग रहा है, शांति का माहौल है। और कभी आइए घूम के जाइए ललितगिरी, ललितगिरी खूबसूरत जगह है। अच्छा पहुंच चुके हैं म्यूजियम, म्यूजियम के अंदर में जाएंगे और का क्या है क्या नहीं ये भी हम लोग देख लेते हैं। चलो वेट, म्यूजियम के अंदर को जाने के लिए अलाउ नहीं था तो इसलिए हम वीडियो कर नहीं पाए। उसके बाद में ये जो अंदर में जो हम देखे भगवान गौतम बुद्ध का 10 सेंचुरी और 11 सेंचुरी में ये मूर्ति को खोदा होके इधर म्यूजियम में रखा गया है। उसके बाद में ये पहले ज़माने में ये एक यूनिवर्सिटी था और 11 और 10 में 10 सेंचुरी में ये यूनिवर्सिटी था। यहाँ पर हम पूरा घूम लिए, उसके बाद में देख भी लिए हैं और काफ़ी अच्छा लगा, पुराना चीज़ को याद आ गया। और आई होप वीडियो अच्छा लगा आपको, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।